हेलो दोस्तों। सो आज हम लोग एक अच्छा वीडियो देखने वाले हैं। ये एक इम्पॉर्टेंट जानकारी है कि जिनके पास शेयर मार्केट में जो इन्वेस्ट करते हैं और शेयर मार्केट से इन्वेस्टमेंट के बाद अगर आपको इनकम आती है, डिविडेंड्स आते हैं, डिविडेंड्स इनकम मिलती है कभी आपको, तो डिविडेंड इनकम अगर 5,000 से ज़्यादा होती है तो आपको सरकार को TDS का फॉर्म सबमिट करना पड़ता है। अगर 5,000 से कम है तो भी आपको TDS देना पड़ता का फॉर्म तो भर ही देने का, ताकि क्या है कि ये रहे कि वो काटे नहीं उसको, क्योंकि काटने के बाद फिर से आप क्लेम करने जाओगे रिटर्न भरते टाइम, तो वो बहुत ज़्यादा लोचे वाला खेल हो जाता है। तो बेटर है कि पहले ये 15G का और 15H के दो फॉर्म होते हैं। 15G जो है वो मेनली जो है, मैं आपको बताऊँ कि 15G है वो मेनली जो सीनियर सिटीजन नहीं होते हैं, या मतलब जो अपने जैसे यंगस्टर्स होते हैं ना, उनके लिए वो होता है। और जो 15H होता है ना, वो होता है सीनियर सिटीजन के लिए, और जो 15G होता है वो अपने जैसे यंगस्टर के लिए, यंग लेकिन और इंडियंस के लिए है। दोनों ध्यान रखना है, इंडियन होना चाहिए, तो इंडियंस के लिए होता है। और ये जो टैक्स बचाने के लिए होता है, क्योंकि डिविडेंड इनकम जो होती है ना, उससे इनकम पे टैक्स बचाने के लिए इम्पॉर्टेंट होता है ये हमेशा। तो ध्यान रखने का, ये फॉर्म सबमिट कर देने का, ये फॉर्म आपको डायरेक्टली मिल ही जाता है। वैसे तो जिसका डिविडेंड आता है ना, उसका आपको एक मेल आता ही है, कि ये उस मेल के अंदर ही आपको 15G की लिंक होगी वो। अदरवाइज आप इनकम टैक्स की साइट से जाके भी 15G फॉर्म ले सकते हैं अगर यंगस्टर हैं, और भर सकते हैं। अब इसको भरने में दिक्कत ये आती है कि देखो, या तो आप इसको इमेज बना के ऑनलाइन ही भर लो इसमें, या फिर आप क्या कर सकते हो, देखो मेरे जैसे अगर आप चाहो तो इस प्रिंट आउट या फोटो कापी निकालो और उसके बाद इसको फिल कर लो लीड से या पेन से, ठीक है। पर इसमें दिक्कत आती है कि क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि ये भरने में मेरे को भी दिक्कत आई थी कि क्या भरना है आखिर। दिक्कत ही आती है, नाम पता, देखो जो चीज़ें मैंने हटा रखी है ना, वो तो नाम पता है, नाम पता और ये सब एड्रेस है, तो वो आपके काम की है, वो तो अपना अपना खुद को ही भरना है, देखो साफ बात है। अब जो बची हुई, फिर भी मैं बता देता हूँ कि ना, आपको नाम लिखना है यहाँ पे, पहले पहले अपना नाम भरना है आपको, फिर पैन कार्ड भरना है अपना सेकंड नंबर पे यहाँ पे, नाम के बाद यहाँ ये नाम हो जाएगा, यहाँ पैन कार्ड हो जाएगा आपका, और उसके बाद स्टेटस में हमेशा इंडिविजुअल भरे, क्योंकि खुद के लिए भर रहे हैं। प्रीवियस ईयर किस ईयर के लिए भर रहे हैं वो बता दो, तो 2022-23 के लिए भर रहे हैं, क्योंकि अब मेरा जो है, मेरा अभी अप्रैल चल रहा है, तो अब ये डिविडेंड जो अगले साल का हमें आएगा मेरा, तो मतलब अगले अप्रैल चल रहा है अभी, तो ये तो 2022-23 में ही गिना जाएगा ना, तो इसलिए मैंने 2022-23 लिखा। और इंडियन है बाकी, अपना नाम, एड्रेस, अपना एड्रेस भर देना, कौन सी जगह रहते हो, कहाँ रहते हो, वो सब भर देना इनमें। उसके बाद जो है ये इम्पोर्टेंट है, ये कि वेदर टैक्स असेट अंडर 1961, ये वाला। तो इसमें क्या होता है कि मतलब आपने कभी इनकम टैक्स रिटर्न भरा है पहले कभी, तो आप लिख देना कि, अब जैसे मैं भरता हूँ कंटिन्यूसली, बोले जीरो रिटर्न भी हो तो आप लिख सकते हो कि हाँ भाई, लेटेस्ट मैंने 2021 में भरा था, ठीक है। अब जो है रुको यार, ये जूम कहाँ से हो गया साला। हाँ, अब जो आता है मेन चीज़ ये कि एस्टिमेटेड इनकम फॉर दिस, अब अभी जो मिला है वो 31 रुपये का डिविडेंड मिला है और 77 शेयर हैं, तो कितना हो गया, 77 शेयर के हिसाब से 31 का कितना हो जाता है, वो मैं आपको कैलकुलेट बता करके बताता हूँ। तो 77 शेयर के हिसाब से जो है वो 71 का 2387 रुपीज़ होता है, आप काउंट करके देख लें। तो वो लिख दिया मैंने, आपको कोई दिमाग लगा नहीं, जितने शेयर हो आपको और जितना डिविडेंड आ रहा है उनको मल्टीप्लाई करो, ये आ जाएगा। अब दूसरी बात आती है कि कितने 15G फॉर्म भर रखे हैं आपने, मान लो आपकी FD भी है, SBI में, कायम में FD भी है, तो FD के लिए भी अगर 10,000 से 5,000 ज़्यादा आता है तो वहाँ भी भरना पड़ता है TDS का फॉर्म। तो अगर वैसे ही भर रखे हैं आपने, या और 10 और ज़्यादा कंपनीज ले रखी है उनमें भी डिविडेंड आता है, उनके भी भर रखे हैं आपने, जैसे मैं ये एक सिंगल कंपनी के लिए भर रहा हूँ अभी, सबके लिए एक साथ नहीं भर सकते, ये भी ध्यान रखना, सबके लिए अलग अलग भरना पड़ेगा। एक कंपनी 2,000 दे रही है, एक 5 भी देती है, एक 10 भी देती है, सबका अलग अलग भरना है। कितने फॉर्म भरे हैं मैंने, तो मैंने तो अभी एक ही डाला है, आप 2 भी डाल सकते हो, 10 कंपनी है तो 10 भी डाल सकते हो। टोटल कितनी यहाँ पे आएगी, टोटल कितनी है मेरे पास, मान लो एक कंपनी से इतना मिल रहा है, 10 कंपनी से अलग अलग मिल रहा है, 1 लाख भी हो सकता है, तो मैं यहाँ 1 लाख लिखूंगा। और टोटल इनकम, ये 17 वाला पॉइंट पहले देख लेते हैं, चलो पहले 16 से शुरू करते हैं। एस्टिमेटेड इनकम विद डिक्लेरेशन, मतलब इस वाले से मेरे को जो है 2,387 रुपये ही मिल रहे हैं, ये मैंने डाल दिया। अब ये टोटल इनकम में कितना ऐड करेगा, तो मान लो मेरी लाखों में इनकम है, उसमें ये वाला जोड़ना पड़ेगा मेरे को। मान लो मेरी इनकम 1 लाख है, तो मेरा टोटल यहाँ पे कितना होगा, 1,02,387 हो जाएगा, ठीक है। अब कितने फॉर्म भरे हैं, एक या दो,
वो आपको दिखना है। एग्रीगेटेड टोटल इनकम कितनी हो रही है इसके लिए मैं भर रहा हूँ, ये इतनी हो रही है 2,387, इसके लिए मैं भर रहा हूँ। अब आता है ये वाला नंबर INE 0012, ये कहाँ से भरा है? आइडेंटिफिकेशन नंबर ऑफ, मतलब ये जिस जो भी कंपनी है, जैसे मेरी कंपनी थी वेदांता, तो वेदांता कंपनी का ये नंबर ढूंढना कि वेदांता कंपनी का सीरियल नंबर क्या है। तो वो वेदांता कंपनी का सीरियल नंबर जो है आप ढूंढ लोगे तो वो आपको मिल जाएगा नेट पे। ये नेचर ऑफ इनकम में लिखना डिविडेंड है, ये सेक्शन सेम ही है सबके लिए, तो कोई घबराने की जरूरत नहीं, लिख देना 194 ही होता है डिविडेंड अगर भर रहे हैं तो। और टोटल कितनी इनकम हो रही है इससे, ये तो साफ साफ आपको मैं बता दिया कि अपना नाम पता, जितनी इनकम हो उतनी। अगर आप ज़्यादा साल भर में कितना इनकम आने वाला है, साल भर के अगर 5,000 से ज़्यादा हो तो आपको, अब जैसे ये सिर्फ एक पहली क्वार्टर का ही मिल रहा है, तो ऐसा और भी मिलेगा मेरे को आगे, तो मैं उनके लिए भी फॉर्म भर दूंगा। अभी खाली 3 महीने का हो रहा है, लेकिन ये आए इसमें मेरा कुछ नहीं कटे ना, इसलिए मैं ये भर रहा हूँ। तो होप अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, और ख़त्म करते हैं इस वीडियो को। थैंक यू, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना, ऐसे और कई वीडियो बनाए हैं मैंने आप लोगों के लिए। सो थैंक्स।